चुनाव हारने जा रहे हैं। 20 तारीख को जब आपके यहाँ वोट पड़ेगा उसी समय रायबरेली में भी वोट पड़ेगा। उनके साथी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी वो अभी रायबरेली से चुनाव हारने जा रहे हैं। ये सब 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में लहर चल रही थी, 2019 में आंधी चल रही थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, कमल के फूल का तूफान चल रहा है। झारखंड और उत्तर प्रदेश की वैसे तो 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड किसका सबसे बड़ा बनता है यह परीक्षा है। और मुझे पूरा भरोसा है जालौर क्या पीछे रहेगा क्या, दोनों हाथ पकड़ लो पीछे रहोगे क्या? आपको रिकॉर्ड बनाने का मौका है। विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर गरीबों का कोई मसीहा है, माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य की जो कोई गारंटी है, बुजुर्गों का जो सम्मान है, मेरे नौजवानों के रोजगार के द्वार को खोलने की जो गारंटी है, वो तो कौन है? तो उनका नाम है, देश के प्रधानमंत्री तो है लेकिन वो प्रधान सेवक अपने को कहते हैं। वह हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि बनाना, दोनों लोग सब लोग अपने दोनों हाथ रख बताओ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि बनाना? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या करना है? हाथ चढ़ाने वाली 20 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर कमर का बटन दबाना है। कमर का बटन आपने दबाया, आपने कभी सोचा था बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदल गई, तकदीर भी बदल गई? बताओ तस्वीर और तकदीर बदली है कि बदली है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम भी चल रहा है और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, ये आपको गारंटी लेकर के जा रहे हैं। 2024 का यह लोकसभा चुनाव जिस पर एक तरफ गरीबों के दुश्मन है, किसानों के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है, नौजवानों के दुश्मन है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों के जो बुजुर्ग हैं उनके भी दुश्मन है, उनका चरित्र आप ध्यान रखना। जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, बुंदेलखंड के विकास की खबरें अखबार में बहुत छपती थी, टीवी में बहुत देखने को मिलता था, लेकिन यह विकास कब दिखाई पड़ा? जब आपने कमर का बटन दबाया तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड की धरती से निकल करके गया। जब आपने कमर का बटन दबाया डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा बन गया बुंदेलखंड। जब आपने कमर का बटन दबाया तो आज यहाँ पर ऐसी अथॉरिटी बनने जा रही है। बुंदेलखंड के लोग अभी तक कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहीं अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, कमल खिलाया, आप विश्वास रखना आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग आपके बुंदेलखंड में रोजगार तलाशने के लिए आएंगे। ऐसा बुंदेलखंड बनाएंगे, ऐसा बुंदेलखंड को कर पाएंगे। 2024 का यह लोकसभा चुनाव मेरे मित्रों बहुत ऐतिहासिक चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां गरीबों की भलाई के लिए अनेक काम हुए हैं, जिसका वर्णन हमारे पूर्व काम ने भी किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए होते। अगर आप कमर का बटन न दबाए होते तो रामलला का भव्य मंदिर हम बनता हुआ अपनी आंखों से नहीं देख पाते। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो जम्मू काश्मीर से 370 नहीं हट सकती थी। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं होती। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता तो जो मेरे किसान है जिनको 2000 की तीन किस्त के रूप में प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि दी जा रही है वो सम्मान निधि हम नहीं दे पाते। अगर आपने कमर का बटन न दबाया होता, मोदी जी को पीएम न बनाया होता, तो आयुष्मान भारत योजना जिसके आधार पर जो गरीब है उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दी जाती है, ये सुविधा हम आपको नहीं दे पाते। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, 2014 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, याद है आप लोगों को, आपने 73 सांसद जिताए थे जिसको भानु वर्मा जी को भी आपने यहाँ से विजयी बना करके भेजा था। 2019 में तो सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपने भानु वर्मा जी को रिकार्ड औरतों से विजय बना के भेजा था, याद है कि नहीं? आप जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया तब कमल खिल गया था, और जो सपा बसपा को उस समय जिताने वाले थे वो सब अब भाजपा में आ गए हैं, तो कमल खिलने को लेकर कोई शंका है क्या? तो मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहता हूं, 2014 आपने जिताया, फिर 2017 का विधानसभा जिताया, 2019 का लोकसभा जिताया, फिर 2022 का विधानसभा जिताया, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आप जिताने जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इनके बारे में मैं कहता हूं, अगर आपको याद न हो तो याद दिलाता हूं, सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना, कांग्रेस को मैं भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कहता हूं। अब मैं ये क्यों कहता हूं आप समझ लो, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, संसद भवन के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिनके पास भेजते वहां पहुंच पाता है, लेकिन जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, जिनका बैंक का अकाउंट भी नहीं था उनका बैंक में खाता खुलवाया और 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया आप सबके खाते में पहुंचा, अलग अलग योजना का पहुंचा। अगर ये बेईमानों की सरकार होती तो आप सबको 5 लाख करोड़ मिलता, लेकिन इन बेईमानों को 29 लाख करोड़ का घोटाला करने का मौका मिल जाता। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आपका समर्थन चाहते, बताइए दोगे कि नहीं दोगे? देखो कुछ लोग हाथ उठाओगे तो मैं मोदी जी को क्या जाके बताऊंगा, यहाँ तो आधे लोग हाथ उठा रहे थे, सब लोग हाथ उठा के बताइए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 5 साल फ्री में जैसे मिल रहा है ऐसा मिलता रहे, इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हमारा देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी हमारे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है, बताओ कुछ लोग बची है कि नहीं बची है? मोदी जी ने कहा है 4 जून को वोट की गिनती होगी, 4 जून 4 बजे 405, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का काम आप कर दीजिए, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बनाने की शुरुआत करने की मोदी जी ने गारंटी दी है। उनको बधाई, इन्हें नहीं मिला उनको मिलेगी इसकी गारंटी, गारंटी नहीं गारंटी की भी गारंटी। या मैं इस माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जालौन लोकसभा क्षेत्र के मंच से कह करके जा रहा हूँ, हमारी माताएं बहने बड़ी संख्या में आई, माताओं बहनों ध्यान रखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने महिलाओं को सक्षम बनाने का सशक्त बनाने का काम लगातार हो रहा है, समूह के माध्यम से 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, 3 करोड़ दीदियों को हम 1 करोड़ दीदियों को बना चुके हैं लखपति दीदी। मोदी जी ने कहा है मेरी गांव की बेटियां ये रिक्शा भी चलाएंगी और हवाई जहाज भी चलाने का काम करेंगे, उनको पायलट भी बनाने का काम करेंगे। हमारे देश की बेटियां
करेंगी। ये मोदी जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया, गरीबों के हित में मोदी जी बहुत काम करते हैं। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो गरीबों का घर भी नहीं बनता, गरीबों को राशन भी नहीं मिलता, गरीबों को दवाई भी नहीं मिलती, हर घर तक नल से जल भी नहीं पहुंचता। बुंदेलखंड जैसे कई एक्सप्रेस वे हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अभी तो ये झांकी है। मोदी जी ने कहा 10 साल जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून के बाद दिखाने का काम करूंगा। बताइए मोदी जी को सहयोग करना है ना? मैं आप सब लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, पिछले काफी दिनों से हिंदी गठबंधन और आईटी गठबंधन यूपी में सपा और कांग्रेस मिले, ये सपा कांग्रेस के लोग 2017 में भी मिले थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक लेंगे। आप सब जानते हो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, आप सब ने आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 विधायक जिताने का काम किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बताओ जब से सरकार बनी, जब मैं आता था चुनाव के लिए आप सबके बीच में, तो मैंने एक वादा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी और माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए गुंडागर्दी कोई कर रहा है क्या? दोनों हाथ का बताइए कोई कर रहा है क्या? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा सपा वालों का क्या नारा रहता था? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। बताओ कब्जा करते थे कि नहीं कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? सपा सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताइए रहता था कि नहीं रहता था? बताइए सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आज समाजवादी पार्टी वाले एक परिवार वाले बड़े शरीफ बन करके कि हम पीडीए बना रहे हैं। अरे पीडीए बनाने की जब तुम्हारी हैसियत थी तब तो तुमने पीडीए बनाया नहीं। जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई जीत सकता था तो आप टिकट देते नहीं थे, तब तो आप गुंडों अपराधियों को टिकट देते थे, माफियाओं को टिकट देते थे, राजनीति का अपराधीकरण करते थे, अपराधियों का राजनीतिकरण करते थे। जब सत्ता से चले गए अब वापस कभी आने वाले नहीं हो तब पीडीए की बात करते हो? तुम्हारा पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक परिवार 5 लोग ध्यान रखना, श्री अखिलेश यादव जी आज जहां से लड़ रहे कन्नौज से वहां मतदान हो रहा है, और मैं आपको अग्रिम रूप से बता रहा हूं श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव हारने जा रहे हैं। 20 तारीख को जब आपके यहाँ वोट पड़ेगा उसी समय रायबरेली में भी वोट पड़ेगा। उनके साथी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी वो अभी रायबरेली से चुनाव हारने जा रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। भैया क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि वो एक चाय बेचने वाले का बेटा है, इसे नहीं बनने देंगे कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे, वह सरकार में आने के बाद गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे, वह रामलला का भव्य मंदिर भी बनाते हैं गरीबों को आवास भी बनाते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे, वो तुम्हें बेईमानी करने से रोक रहे हैं जो पहले बेईमानी किया उसकी जांच करके सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। इनसे सवाल पूछो जिनके पास कोई जवाब नहीं है, ये केवल कहते हैं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस जालौन लोकसभा के माधवगढ़ क्षेत्र से कि श्री राहुल गांधी जी श्री अखिलेश यादव जी 4 जून को आप दोनों दोस्त एक लंदन जाएगा एक इटली जाएगा, आप ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 4 जून को आप सबके आशीर्वाद से देश में जो माहौल है
2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में लहर चल रही थी, 2019 में आंधी चल रही थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, कमल के फूल का तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। बताइए सही है कि गलत है? बताइए सही है कि गलत है? आप मेरी एक बात सुनिए, मोदी जी ने कहा है कि मेरी ओर से जाके सबको प्रणाम कह देना, मैं मोदी जी का प्रणाम आप सबके बीच में भेज रहा हूँ, आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और उन्होंने कुछ काम बताया, उन्होंने कहा जब मैंने कुछ भी कहा है तो मैंने किया है, अब मेरी ओर से जाके वहां लोगों से कह देना। मैंने कहा आप क्या कहना है? उन्होंने कहा जम्मू काश्मीर से 370 हटाया गया कि नहीं हटाया गया? धारा 370 हटी कि नहीं हटी? दोनों हाथ में बताओ, हटी कि नहीं हटी? अब आप सबको काम करना है। आपने मुझे मालूम नहीं 2019 में कितने वोटों से बालू जी को जिताया? और 2024 में हर बूथ पर आप सब लोगों को आज ये संकल्प लेकर के जाना है, 370 वोट जितना 2019 में दिलाए थे उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। जो लोग 370 वोट और बढ़ा सकते हैं जरा हाथ उठा के बताइए मुझे, तब तो मैं आज यहाँ ये ऐलान कर सकता हूँ कि जो विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी हो चाहे बसपा वाला प्रत्याशी हो उसकी जमानत कोई बचा नहीं सकता, उन्हें जमानत चल या 2024 के लोकसभा चुनाव को यह मानना ये देश को प्रदेश को जालौन को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, ये 100 साल आगे ले करके जाएगा। जो गरीब आदमी है वह भी अमीर बनेगा, जो बेरोजगार है उसको रोजगार का भरमार लगेगा, जिस खेत तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा वह पानी पहुंचेगा, और 70 साल के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा देने का ऐलान मोदी जी ने किया है। मैं आज सब लोगों को इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आज जब मैं यहाँ आया हूँ मैं जानता हूँ यहाँ पर आने से पहले कई बातें ऐसी प्रदेश में हो रही है, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी की बात करूं, जब वह मुख्यमंत्री थे 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में खड़ा कदम की ढांचा ढहा था, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? और जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई तो उनका पांव ला करके विधानसभा में रखा गया, आप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव जी नहीं गए, क्यों नहीं गए? उनको लग रहा था कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, लेकिन एक माफिया मुख्तार अंसारी मर गया, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र पर 500 किलोमीटर चल करके कहां गए? गाजीपुर गए। मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं क्या बाबूजी कल्याण सिंह जी अपराधी थे क्या कोई? उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था, आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने नहीं गए लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह उसका आपको निमंत्रण दिया गया, आप निमंत्रण ठुकरा दिए, और मैं आप सबसे अपील करता हूँ जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया और राम भक्तों पर गोली भी चलवाया उनको ठुकराने का समय आ गया है, सदा सदा के ठुकराने का समय आ गया। 2024 की लोकसभा चुनाव में एक तरफ सैफई परिवार के लोग उनका बयान आप अखबार टीवी सोशल मीडिया में लोग देखते होंगे, उनको मुझसे बहुत परेशानी रहती है। कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में रोज अपशब्द कहते हैं तो समाजवादी पार्टी वाले मेरे बारे में रोज अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने श्री अखिलेश यादव जी से कहा अखिलेश जी आप मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किए, आपके चाचा ने चाचाओं ने मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मैं आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, आपकी गाली का जवाब मैं आप सबसे अपील करता हूँ अपने अपने फूल पर कमल का बटन दबा करके देना, कमल का फूल फिरा करके देना, भानु वर्मा जी को यहाँ से साथ
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना, या मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। और विश्वास रखिएगा 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को विश्वास है 400 पार। फिर एक बात प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, हाँ विश्वास रखना 400 को रिजल्ट आने दीजिए। ये जो अभी बाबू जी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, रामलला के मंदिर में नहीं गए, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे और कोई नेता हो, जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देते हैं, जो दल का नाम तो कुछ और है लेकिन आचरण मुस्लिम लीग जैसा है, ऐसे दलों के नेताओं को आपको ही जवाब देना है। आप कमर खिलाइए, विश्वास रखना 4 जून के बाद जितने राम विरोधी है वो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव कहते हुए आपके सामने नजर आएंगे। आप विश्वास वैसे सपा बसपा कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हुए, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। जनता के बीच में जाके दुष्प्रचार करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कहते ही नहीं कहते हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी के आने से संविधान भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अगर कोई खतरा होगा तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक भविष्य का खतरा होगा। ये अपने राजनीतिक भविष्य के खतरे को लोकतंत्र और संविधान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को जिनके कारण गुंडागर्दी बढ़ी, जिनके कारण समाज में अराजकता बढ़ी, जिनके कारण कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिनके कारण मेरा बुंदेलखंड बर्बाद हो रहा था, जिनके कारण विकास पूरी तरह से ठप पड़ गया था, जिनके कारण 85% पैसा दलाली में जा रहा था, उनको बताइए फाड़ कर फेंकना चाहिए नहीं फेंकना चाहिए? आपके पास अवसर है, ये ध्यान रखना, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है और लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठ करके नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। दिल्ली का खजाना, दिल्ली के खजाने की चाबी जालौन लोकसभा वालों के पास है और लखनऊ की चाबी मेरे पास है, इनका मतलब जितना भी विकास के लिए अभी यहाँ तमाम चर्चा कर रहे थे हमारे विधायक और सांसद वगैरह, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अभी तो बहुत टेलर देखा है, विकास का कोई काम बकाया नहीं रखेंगे। हम जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसी प्रकार से स्मार्ट विलेज बनाने वाले हैं, हम किस प्रकार से नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर के योजना बना रहे हैं ये अभी सोच भी नहीं सकते, विरोधी कितने हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से याद यहाँ पर निवेदन करूंगा, मुझे सूचना दी गई आज मुझे हेलीकॉप्टर खराब हो गया था तो मुझे जहाज से आना पड़ा, जहाज दतिया में उतरा और दतिया में थोड़ा आज मौसम खराब है, आज ओढ़ भी पड़ रहा है। मैं जालौन लोकसभा से सभी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता हूँ, देश के गरीबों को शक्तिशाली बनाने के लिए, किसानों को सक्षम बनाने के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के